एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। याद रखिएगा कि एक कोई भी किसी भी किस्म के कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है, तो उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल सकता है, जो कि आप कह लें कि होल नंबर फॉर्म या जो लास्ट या सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे कि कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्फेरिकल फॉर्मूला इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर इसकी हम बात करें तो बेंजीन जैसे है, तो बेंजीन का अपना फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब C6H6 है तो 6 और 6, 6 1 और 6, 6 1 6, दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो के क्या निकल आया, 1 और 1 आ गया। इसी तरह से ग्लूकोज है C6H12O6, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो C1H2O1, ठीक है। इसी तरह से वाटर आ गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाटर क्या हो जाएगा, H2O, और यहाँ पे H2O को अब आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए वो H2O ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का है कि जो किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो निकल सकता हो तो उस सिंपलेस्ट रेशियो को पढ़ा जाता है कि ये क्या है इसका, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। एक ये था जो कंपाउंड जिनके अंदर क्या था, डिफरेंट था। अब सेम वाले कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आए एसिटाइलिन एंड बेंजीन, ये दोनों क्या है सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर क्या होगा, C2H2, अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो C1H1, यहाँ पे बेंजीन तो C1H1। इसी तरह से एसिटिक एसिड CH2O, अमोनिया NH3 एंड मिथेन CH2 हैव सिमिलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इनका भी क्या है, आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन जाता है, क्योंकि इनका जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे वो सेम बनेगा।